तो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, और चैप्टर 5 है अपना जुडिशरी, और जुडिशरी को हम शेयर कर रहे हैं आपसे, है ना, स्क्रीन में ये चैप्टर दिख रहा है सभी को? यस सर, यस यस सर, यस सर, यस सर। दिख रहा होगा सभी को ना? ठीक है, तो माइक म्यूट करें, ये तो मैं म्यूट कर दूं, जैसे ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, आप लोग म्यूट कर लीजिए सभी लोग, है ना। और जिसको जब बोलना है माइक म्यूट कर लिया करिए, अब बोलने के बाद फिर से म्यूट कर लिया करिए, ये तरीका तो आप लोग सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग क्लास हेड भी हो और आप लोग सभी को मिल की जाती है कितना कर सकते। देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसको हम लोग कवर करते हैं। देखिए चैप्टर 5 है जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी का सीधा सीधा मतलब न्यायपालिका से, जुडिशरी का सीधा सीधा मतलब न्यायपालिका। और मैंने आपको जो गवर्नमेंट के बारे में बताया हुआ था, गवर्नमेंट के सेक्शन मैंने डिवाइड किए हुए, गवर्नमेंट के सेक्शन डिवाइड किए हुए, गवर्नमेंट के जो पार्ट्स बताए थे मैंने, 3 पार्ट्स आपको बताए हुए थे, है ना, याद आ रहा है? गवर्नमेंट के मैंने 3 पार्ट्स आपको बताए हुए थे, गवर्नमेंट के जो मैंने 3 पार्ट्स आपको बताए थे, गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, लेजिस्लेचर, और जुडिशरी, याद आया सभी को? यस सर, यस सर। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, यस सर, तो नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि ये नोट कर रहा है, ठीक है, तो नोट कर रहा है, और नेशनल लेवल पे क्या होगा, नेशनल लेवल पे क्या होगा, पार्लियामेंट, ठीक है, ये हमारी स्टेट लेवल पे क्या होगा, लेजिस्लेटिव, हमारे आ रही है सभी को, लेजिस्लेटिव, यस सर, आ रही है बोर्ड में, सब कुछ दिख रहा है, बोर्ड में दिख रहा है ना, यस सर, यस सर। गवर्नमेंट को, सरकार को, गवर्नमेंट को, सरकार को, देश की गवर्नमेंट को बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप लोग क्लास 8 पे बाउंड्री लाइन पे जूनियर के, है ना, इसके बाद आप लोग 9 में चले जाते, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें जिस टॉपिक से रिलेटेड मैं पढ़ाया था, जो टाइम दिया था कि अब आप पूछिए, फिर आप लोग पूछा भी करिए, डाउट रखा करिए। देखिए डाउट रखना भी जरूरी है, डाउट किसको आता है, डाउट उसी को आता है जो पढ़ता है, जो पढ़ाई करता है, अब उसको तो डाउट आएगा ही नहीं जिसको पढ़ना ही नहीं है, तो हम पूछेंगे कि बेटा कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको क्या प्रॉब्लम है, जो पढ़ना ही नहीं है जिसको, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो पढ़ेंगे उनको प्रॉब्लम आएगी, है ना, तो पढ़िए आप लोग, ठीक है, स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इन दिस टाइम, खासकर आपको क्लास 8 लेवल की बात, आवाज आ रही है सभी को ना, बताइए, यस सर, सर सर सेकंड में क्या है सर, पहले पूरा सुन लीजिए हम लोग, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, पूछता हूँ, गवर्नमेंट, सरकार, हम और हम में और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, है ना, हम में और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, तो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज 3 पार्ट्स, गवर्नमेंट हम दो पीपल है, नॉर्मल, है ना, कॉमन पीपल, लेकिन अगर से एक क्वेश्चन यहीं पर ये पूछ लिया जाए कि अंतिम ताकत किसके पास होती है, लास्ट अथॉरिटी पावर किसके पास होती है, हम लोगों के पास ही होती है,
ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि पूरे शासन की, पूरे है ना सिस्टम की जो अंतिम ताकत है, लास्ट पावर है, अथॉरिटी है, वो किसके पास है? तो पीपल्स के पास, जनता के पास है। ये कहां की बात कर रहा हूं मैं? डेमोक्रेटिक कंट्री, वो भी इंडिया की बात कर रहा हूं, डेमोक्रेटिक इंडिया। अब किसी दूसरे कंट्री में क्या सिस्टम है वहां हमें नहीं पता, ठीक है ना, वहां हमें नहीं पता। वहां का कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग हिसाब से बन सकता है, ये पूरे कंट्री के लिए नहीं हो सकता, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं, कि हर कंट्री में जो लास्ट पावर है जनता को ही देनी जाएगी, पीपल्स को ही देनी जाएगी, ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो देश है, मोस्टली लगभग 200 कंट्री है, 200 से ऊपर देश है आपके, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रीज है आज के डेट में डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, और वहां पर भी ऐसा ही शासन देखने के लिए मिल जाएगा जो भारत में आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन ये भी पूछे, देश का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सा है, तो वो आपका इंडिया ही है। इससे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री पूरे विश्व में नहीं है। इससे ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो सहनशील कंट्री है ना, वो पूरे विश्व में नहीं है, भारत, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सोची, अलग अलग कम्युनिटी के लोग कितनी बड़ी मात्रा में रहते हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, कितने रिलीजन हैं यहाँ पर। इन सब के बावजूद ये देश, ये कंट्री, छोटे मोटे विवाद होते हैं, छोटे मोटे घर में आप लोग रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, मोहल्ले में नहीं होते, गाँव में नहीं होते, सब जगह होते हैं। तो इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटे विवाद दिखाई देते हैं, सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन इससे हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता, भारत की संप्रभुता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, एकता पर, अखंडता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, यूनिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि जब हमारे देश की बात आती है तो हम सब लोग इकट्ठा खड़े हो जाते हैं कि पहले लड़ाई करें। जैसे आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपस में एक दूसरे को मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन अचानक वो बाहरी लोग आके आक्रमण कर दे, तो क्या पहले घर वाले आपस में लड़ते रहते थे कि तुमने मुझसे कितने में झूठा लोग ऐसा कहा था, पहले बात तो निपटारो बाद में बात, ऐसा कुछ नहीं। घर के बाहर अगर आपके घर में कोई अटैक कर दिया तो सारे घर के लोग मिलके पहले उस बाहरी व्यक्ति को भगाते हैं, है ना, उसके बाद घर का विवाद तो झगड़ा चलता रहता है, वो तो आपसी विवाद है। तो हमारे घर का, यानी हमारी इंडिया का, कंट्री के अंदर का, देश का, राज्यों के बीच में कभी स्टेट को लेकर, डिस्ट्रिक्ट को लेकर, कोई दूसरी गवर्नमेंट को लेकर विवाद चलता रहता है, दिस इज अ कॉमन थिंग, है ना। दिस विल बी हैपेंड, दिस विल हैपेंड, इट कैन नॉट बी आपका सबसे क्लियर, है ना, कंप्लीटली इट कैन नॉट बी क्लियर। लेकिन जब हमारी कंट्री पर कोई अटैक करता है तो हम पहले अपने देश को बचाते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीजें। तो मेरे कहने का मतलब है कि अंतिम जो ताकत है, मैंने बताया लास्ट अथॉरिटी यू आर हैविंग द इंडिया पीपल, बी पीपल ऑफ इंडिया। जब हमारा संविधान की शुरुआत होती है, सोचिए संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको आत्मा कहा जाता है, गीता, पुराण, महाभारत, इन सबसे भी आप कह सकते हैं कि देश का अगर कोई ये एक ग्रंथ है तो वो आपका क्या है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। इसकी शुरुआत ही होती है, इसकी शुरुआत होती है बी, है ना, पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत होती है। सोचिए कि उसमें हम की भावना है, किसी एक व्यक्ति की भावना नहीं है, किसी एक लोग की भावना नहीं, संविधान की शुरुआत ही इस शब्द से होती है, हम भारत के लोग, है ना। इसके बाद प्रस्तावना शुरुआत होती है, शुरुआत। तो लास्ट अथॉरिटी याद रखिएगा जनता के पास होती है। क्वेश्चन कई बार अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछा गया और वहां अच्छे धोखा खा जाते हैं, कोई गवर्नमेंट को लगा देता है, कोई प्रेसिडेंट को टिक लगा देता है, प्राइम मिनिस्टर को टिक लगा देता है, और वहां पीपल भी ऑप्शन में रहता है, तो वहां पर ऐसे केसेस में याद रखना। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का थ्री पार्ट्स मैंने बताया कि सरकार तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है, गवर्नमेंट तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। हम अगर कंफ्यूज हो जाए तो हम गवर्नमेंट किसको कहे, हम कंफ्यूज रहते हैं, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि गवर्नमेंट किसको कहे, तो अब आप लोगों को अब कंफ्यूज नहीं रहना। गवर्नमेंट किसको कहेंगे, गवर्नमेंट तीनों को मिलाकर इनका सम्मिलित रूप ही गवर्नमेंट है, इनका कंबाइंड रूप ही क्या बोले आप बोलेंगे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर है, समझिएगा गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर है। तो क्या गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव भी है,
तो क्या गवर्नमेंट जुडिशरी नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट जुडिशरी भी है। आंसर क्या मिल गया? गवर्नमेंट जुडिशरी तीनों है। बट हाउ, लेकिन कैसे है? कैसे है तो समझिए कैसे। जैसे हमने सुना है, सिक्स में भी पढ़ा, सेवेंथ में पढ़ा, हमने सुना है कि गवर्नमेंट हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन तय करती है, नियम कानून बनाती है, रूल्स एंड लॉ, लॉ एंड रूल्स बनाती है, कानून और नियमों को बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। तो अब हमें दिमाग में आता है गवर्नमेंट बनाती है तो कौन सी गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के तो हमने थ्री पार्ट्स पढ़ लिए। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए गवर्नमेंट का कौन सा पार्ट लॉ और रूल्स बनाएगा, क्या एग्जीक्यूटिव बनाएगी, क्या बोलिए जुडिशरी बनाएगी, क्या बताएं मुझे सभी, रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स लॉ एंड रूल्स कौन बनाएगा, रिप्लाई करें मुझे, आंसर दें। इसको भी समझ में आ रहा है? लेजिस्लेचर, वेरी गुड, वेरी गुड। लेजिस्लेचर बनाएगा, लेजिस्लेचर बनाएगा, कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर बनाएगा। क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। अब हमने सुना कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, गवर्नमेंट को बनाती है, ये तो कॉमन, ये तो सिक्स वाली बात होगी, क्योंकि सिक्स में इतना डीप नहीं हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बस इतना याद कर लेते हैं गवर्नमेंट कानून बनाती है। लेकिन अब हमें ये पता हो गया है कि गवर्नमेंट का कौन सा पार्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है, लेजिस्लेचर बना रहा है। इसका मतलब ये कि अगर लेजिस्लेचर ना हो तो क्या हमारे देश में कानून नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो जस्ट इसके पहले वाला चैप्टर आपने पढ़ा है पार्लियामेंट, क्या पढ़ा है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट इज द एग्जांपल, इज द एग्जांपल ऑफ लेजिस्लेचर, इज द एग्जांपल ऑफ लेजिस्लेचर। आप लेजिस्लेचर के आगे एग्जांपल में लिखेंगे पार्लियामेंट, जो किस लेवल पे काम करती है, कंट्री लेवल पे काम करती है, नेशनल लेवल पे, देश के लिए काम करती है। यानी पार्लियामेंट के जो लोग बैठे हैं ना, वो 545 पीपल, वो जो लोग कानून बना देंगे ना, और जो राज्यसभा के लोग मिलकर जो कानून बना देंगे, वो पूरे देश के लिए कानून बन जाएगा, और हर इंसान को मानना पड़ेगा उस कानून को, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी उस बने हुए कानून से बन जाते हैं, यहाँ तक कि संसद पार्लियामेंट भी उस कानून से बन जाता है। यानी पार्लियामेंट उस कानून को बनाती भी है, और कानून बनने के बाद, लॉ बनने के बाद पार्लियामेंट खुद भी कैद में आ जाती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, जो लोग नियम कानून बना रहे हैं वो भी उसकी कैद में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है? कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि जो लोग नियम बना रहे हैं वो फ्री है, तो रूल्स भी बना रहे हैं और साथ ही उससे भी बन जाते हैं। ये अगर मना कर दिया गया कि नहीं अगर ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, पुलिस पकड़ेगी, फिर आपको दंड मिलेगा, आपको जेल होगी आपको, तो फिर ये सभी के लिए है, ठीक है ना। टैक्स अगर देना है सभी को तो फिर टैक्स सभी को देना है, ऐसा नहीं कि कोई बच जाएगा। तो लेजिस्लेचर का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं लेजिस्लेचर को, विधायिका कहते हैं, विधायिका, विधायिका मतलब विधान मंडल, विधान, विधान मतलब क्या होता है हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे, विधान मतलब कानून, नियम, कहते हैं ना गांव में सुना होगा अक्सर आप लोग भी, अरे जैसा विधि विधान होगा भगवान का जो विधान है ना होगा वही होगा, विधाता ने जो लिखा होगा, विधान मंडल हिंदी में क्या, नोट कर लीजिएगा, नहीं याद कर लीजिएगा बाकी फिर भूल जाइएगा, लेजिस्लेचर ही याद करिएगा। लेजिस्लेचर मतलब विधान मंडल, जहां पर कानून बनेगा। कानून कहां कहां बनेगा, एक हमारा स्टेट, हमारा कंट्री है, कंट्री लेवल पे पार्लियामेंट हो गया, और हमारा कंट्री किसमें डिवाइडेड है, स्टेट्स में डिवाइडेड है, स्टेट्स में, स्टेट्स के लिए लेजिस्लेचर हो गया। अब स्टेट के अंदर जो डिवाइडेड है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि एक स्टेट में जो लेता लेजिस्लेटिव असेंबली जो नियम बनाएगी ना, वो पूरे स्टेट के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, वो पूरे स्टेट के लिए अप्लाई होगा। अब समझिएगा कानून बन गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपकी बात को, मेरा कोर्स थोड़ा पीछे भी चल रहा है, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे ये है कि आप लोग क्या करिए, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, जितना भी पढ़िए अच्छे पढ़िए, कोर्स को मेरा काम है, मैं चाहे समथिंग कंप्लीट करवा दूंगा, एक महीने के अंदर पूरा SST में कंप्लीट कर सकता, उसके लिए टेंशन की बात नहीं है कि हमारा इतना चैप्टर बचा होगा कि उतना चैप्टर कंप्लीट करके हमें मिलेगा क्या, बताइए चैप्टर कंप्लीट करके कुछ मिलेगा हमें, इसलिए मैं भागता नहीं हूँ कि बाकी की तरह की मैं जो है अपना जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करके आपको बस कंप्लीट करा, क्या मिलेगा उसका, अगर मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को
समझ में नहीं आया जो उन्होंने पढ़ा, तो फिर कोर्स कंप्लीट करने का क्या मतलब बताइए, कोई मतलब है ज्ञान से बताओ, है ना? इसलिए जो एंजॉय करके पढ़ेगा समझेगा उसको बहुत मजा आ रहा होगा, जिसको नहीं भी समझ में कोई चीज आती, मैं कितने लेवल से मतलब मेरी क्लास अगर कोई पहली बार ले रहा है, पहली बार कोई क्लास ले रहा है तो उसको भी बहुत अच्छे से समझ में इस लेवल से मैं बताता हूँ कि मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कहाँ तक है, कुछ स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, कुछ की वीक है, कुछ की और वीक है, मुझे तो सभी को लेकर चलना है, ठीक है? आराम से पढ़िए, कोर्स सिलेबस की टेंशन नहीं लेना है, जितना मैं पढ़ाऊंगा पेपर में हर बार वही से आएगा, और बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप सच्ची की कभी परवाह मत करना, ठीक है? कि हाँ सर आया, यहाँ से ऐसा वैसा, जितने दो चैप्टर हो जाएंगे हो गए तो वहीं से आएगा, आप पर आगे भी अगर नहीं हो पाता है तो उन्हीं चैप्टर्स में क्वेश्चन सुना के देंगे, फिर आप दीजिएगा पेपर, और सिलेबस कोर्स जब भी पूरा करना चाहे तभी करा सकते हैं, ठीक है ना? चलिए तो लेजिस्लेचर में कानून बन गया बेटा, यहाँ कानून बन गया, लेजिस्लेचर गवर्नमेंट का पार्ट है, यहाँ किसने कानून बना दिया, रूल्स बना दिया, अब क्या रूल्स बनाना ही देश के लिए जरूरी है? देश के लिए कानून बना बना के रख दो, कॉन्स्टिट्यूशन में पेपर में राइट कर करके लिख दो, किताबों में इकट्ठा कर करके बना के रख दो, क्या इतना पर्याप्त होगा? क्या इतना पर्याप्त है? नो सर। हमारे देश में ये टैक्स लिया जाएगा, हमारे देश के लोगों के लिए ये सुविधाएं दी गई, ऐसे करके बहुत सारे रूल्स बना दिए, बस बने रखे, क्या वो इम्पोर्टेंट है? उसका कोई यूज आया? No, sir. नहीं आया ना? No, sir. तो दिमाग में प्लान करना, कॉपी में लिख लेना, दिमाग में प्लान करना फिर उसको लिख लेना, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? इम्पोर्टेंट क्या होता है? जैसे आपने समझना, आपने कॉपी में पढ़ाई किया, ठीक है, आपने कॉपी में पढ़ाई किया, आज मैं समझा रहा हूँ आपको समझा, लेकिन कल के दिन जब पेपर आया आपने पेपर को सॉल्व नहीं किया अच्छे से, क्या वो तरीका सही हुआ? आपकी मेहनत थोड़ी बेकार हो गई। उसके अलावा उससे भी बड़ी बात यह है कि कल के दिन आप नाइन्थ में गए, आप रास्ते में हैं, कहीं के दिन आपसे जुडिशरी का बात, जुडिशरी का पॉइंट थोड़ा बहुत पूछ लिया जाए, जैसे आप किसी को बता ना पाओ क्या मतलब पढ़ाई का, बताइए। पेपर को भी मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ कि पेपर में ही अच्छे नंबर ले आना सबसे बड़ी बात होती है, मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि जो पेपर में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं वही अच्छे बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है कि पेपर में 20 में 20 मार्क्स ले आओगे तो आप एक अच्छे स्टूडेंट्स का टैग लग जाएगा, नहीं, मैं उन स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं कह रहा हूँ, केवल वही अच्छे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ वो अच्छे नहीं, लेकिन वही बस अच्छे हैं ऐसा कहना गलत होगा। पेपर में 10 नंबर लाने वाला भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा हो सकता है, किसी कारण वो सबको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, नहीं कर पाया, दैट इज अनदर मैटर, दिस इज कोई दूसरा मैटर है, लेकिन उसने क्लास में जब पढ़ा था सबने समझाया तो सारी बातों को उसने समझा है अच्छे से, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होगा, क्योंकि जिस दिन रियल कंपटीशन होगा, जिस दिन अच्छी दौड़ होगी, रियल कंपटीशन का मतलब जब आप अपनी जॉब के लिए किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे होंगे, उस दिन आपकी ये पढ़ाई काम आएगी जो आप समझ रहे हैं, और उस दिन आप उस सारे बच्चों को पीछे कर देंगे जो क्लास में कभी बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं। इसलिए स्टडी, deep study is very important, not a shallow study. खोखली और उथली उथली जो है जो study होती है ना, that is not important. Deep study is very important. Understanding is very important. तो देखिए कल के rules regulation बन गए हैं, rules regulation बनना ही important है क्यों होगा बेटा? Rules regulation के अलावा उसको implement करना, मतलब उसको implement कराना, ये बहुत important. खुद जाके जब आप पेपर में टिक लगाएंगे करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ हमने पढ़ा था, आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कराना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वही क्या होता है वो पार्ट हो गया, एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप लोग तक पढ़ा समझा रूल्स को दिमाग में लाया, अब पेपर के दिन आप पेपर कर रहे हो, दैट इज एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसी प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया नियम होते हैं, बना लिया लेजिस्लेचर
पार्लियामेंट में उन्होंने पार्लियामेंट बना लिया, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने अपने स्टेट के लिए बना लिया, लेकिन उसने अप्लाई कहां किया, लागू कौन करेगा, लागू कौन सी गवर्नमेंट करेगी, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट करेगी, कौन सी गवर्नमेंट करेगी, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट करेगी, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट वही वही काम करेगी, याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, कहीं नोट कर लीजिएगा, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट वही वही काम करेगी जो लेजिस्लेचर गवर्नमेंट ने नियम बनाया होगा, उसके बाहर 1% काम नहीं कर सकती, 0% भी काम बाहर नहीं करेगी, जितने नियम बने होंगे पार्लियामेंट में, जितने नियम लेजिस्लेचर बनाई होगी वही वही काम एग्जीक्यूट करेगी, उसके अलावा 1% उसकी हिम्मत नहीं है कि वो अपने तरीके से काम करे। बात समझ में आ रही है, उसको उतना ही काम करना है जितना लेजिस्लेचर से बन गया है, उसको बता दिया गया है, प्रोग्राम फिट हो गया है एक तरह से कि ये काम करना है, देश में अप्लाई करवाना है, एग्जीक्यूट करना है, तो गवर्नमेंट को उतना ही काम है। ठीक है, उसमें मैंने एग्जीक्यूटिव को मैंने आपको बताया था, एग्जीक्यूटिव एग्जांपल को मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की आपकी टेंपरेरी और परमानेंट डिवाइड होती है, टेंपरेरी और परमानेंट गवर्नमेंट में डिवाइड होती है, जिसमें मैंने टेंपरेरी आपको मैंने क्या बताया था, टेंपरेरी गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, ये सारे जो होते हैं 5 years के लिए इलेक्ट होते हैं, जो आपके विधायक होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे तो वहां से विधायक निकल कर आएंगे, है ना, यहाँ से और फिर वही मिनिस्टर बनते हैं अपने स्टेट के, पार्लियामेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट में क्या बनेंगे, पार्लियामेंट के भी मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन ये मिनिस्टर पूरी कंट्री लेवल के लिए होते हैं, ये मिनिस्टर पूरी कंट्री लेवल के लिए होते हैं भाई, पार्लियामेंट में जो 272 जिसका मेजोरिटी जिसको मिल गई, वो सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हीं में से बीच में से कुछ जो विशेष लोग हैं डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, एलेक्टेड डिपार्टमेंट है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट में एक एक मिनिस्टर बना दिया जाता है देश में काम कराने के लिए, देश में काम कराने के लिए देश के विभागों को डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है, और उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो एक मिनिस्टर होता है जो पूरी कंट्री को देता है। अब अगर आप अपने उसमें डालेंगे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है इस हमारे देश का, तो एक ही नाम आएगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, पूरे देश में एग्रीकल्चर का जो हेड होगा वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, और उसके ऊपर सीधे कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके ऊपर सीधे कंट्रोलर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा कैबिनेट का, ठीक है, उसको भी हम लोग बीच में अवेयर कर दूंगा, तो ये हमारे टेम्पररी हो गए, क्यों, क्योंकि 5 years के लिए बन गए, ये मिनिस्टर ऐसे नहीं कि हमेशा एक बार मिनिस्टर बने रहेंगे, 5 years के लिए, दैट इज अ टेम्पररी, ये मिनिस्टर अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करवाएंगे, वही काम करवाएंगे जो हमारे बने हुए, ठीक है। परमानेंट में कौन आ गए, परमानेंट में कौन आ गए, परमानेंट में तो आपके जैसे जो आपकी डीएम पुलिस, जैसे आपके हाँ डीएम होंगे, आपके जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए आपके, है ना, जो आपके तहसीलदार हो गए आपके, है ना, तहसीलदार हो गए, पुलिस हो गए, ये सारे जितने भी आईएएस रैंक के जितने भी अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, ये तो परमानेंट होते हैं, इसलिए लोग जॉब करते हैं, एक बार अगर आप अच्छा पढ़ाई कर ली जॉब मिल गई तो फिर आपको कोई ट्रांसफर कर सकता है, इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आप कोई हटा नहीं सकता है जब तक आप 60 इयर्स की एज के नहीं हो जाएंगे, जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाएंगे, बुढ़ापे वाली एज दिया जाएगी तब तक आप रिटायर नहीं होंगे, फिक्स जॉब होते हैं, ठीक है ना, नेताओं की तरह नहीं है 5 years के बाद फिर समय के लिए चिल्ला रहे जनता के बीच, ठीक है, इसलिए परमानेंट जॉब की तैयारी बहुत शुरू करते हैं किसी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है, समस्या आ रही है कि ठीक है कानून बन गया, पुलिस डंडा मार मार के पालन भी करवा रही है, लेकिन क्या सभी लोग पुलिस को डरते नहीं, सब लीव कर दे, कोई मतलब नहीं, चलिए ठीक है, आज क्लास डेली नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो गया, आवाज आ रही सभी को मैडम, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कभी कभी जनता और गवर्नमेंट के बीच में विवाद होता है, गवर्नमेंट कहती है की नहीं आपको काम करना है, हमारा राइट नहीं है, हमें राइट मिला हुआ है, हमें काम नहीं करेंगे, जब दोनों के बीच में टकराव होता है, इस पर डिसीजन लेने का काम, जस्टिस करने का काम आपको नीचे जुडिशरी के सामने आना पड़ता है, जुडिशरी के सामने आना पड़ता है, यानी न्यायपालिका। अब कल इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कितने पार्ट होते हैं इसके, बाकी सारी चीजें हम जुडिशरी के बारे में समझेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, जिनको कोई कंफ्यूजन होगी तो फिर से दूर हो जाएगा। यस सर, यस सर।
बहुत अच्छा